gentlemen. Today also marks, if yesterday was Kartik Purnima, today also marks the total lunar eclipse, the second and the last lunar eclipse in this calendar year in 2022. And this next time, this phenomenon will actually occur on the 14th of March, 2025. And according to NASA in India, the total eclipse is available in the eastern, visible in the eastern region, and a partial eclipse is visible from most parts of Bharat. 5:20 p.m., just about 20 minutes ago, is when the lunar eclipse had actually started. Most of the temples, after even in Kashi, after the Dev Deepavali and Kartik Purnima, the temples have actually shut their doors as per is the ritual or norm when there is a Chandra Grahan. Listen in and have a look at some of the ground reports. जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं उनके कपाट बंद कर दिए जाते हैं, और इसी तरीके से आज जब चंद्र ग्रहण लगना है तो उसके चलते जितने भी मंदिर हैं उनके कपाट बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर के भीतर मौजूद है। आप यहाँ पर देखेंगे जो हनुमान भक्त हैं वो यहाँ पर मंत्रों का जाप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं, क्योंकि पूजा ऐसे समय में नहीं की जा सकती, सूतक लग चुके हैं। ऐसे में मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद है, लेकिन मंगलवार होने के चलते हनुमान जी का दिन माना जाता है और इसलिए भारी भीड़ यहाँ पर रहती है। लेकिन आज क्योंकि मंदिर के कपाट बंद है, ऐसे में अब यहाँ पर जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं, दूर से ही हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं। कपाट कब खुलेंगे भक्त, हनुमान जी के भक्त कब आ सकते हैं दर्शन? जैसे देख रहे हैं कि देखिए भक्त तो अभी भी आ रहे हैं, लेकिन उनको बस यही है कि भैया दर्शन आप हो नहीं सकता है आपका, आप ऐसे आइए, स्मरण करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और आप प्यार से नीचे हो जाइए। हमारा ये अनुरोध है कि आप शाम को 6:30 बजे के बाद हम मंदिर फिर से गंगा जल से धुलवाएंगे, वस्त्र वगैरह चेंज होगा, उसके बाद जो है फिर आरती होगा, आरती के बाद फिर सभी भक्तों के लिए दर्शन का टाइम हो गया। बिल्कुल, तो पंडित जी बता रहे हैं कि जब ग्रहण लगता है तो क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, किन किन लोगों को सावधान रहना है, और भगवान को आप याद कर सकते हैं, उनका स्मरण आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के कपाट फिलहाल कुछ इस तरीके से यहाँ पर बंद है, जो करीब शाम 6:30 बजे तक इसी तरीके से बंद रहेंगे। चंद्र ग्रहण के मद्देनजर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं अयोध्या, और इस वक्त हम मौजूद हैं सरयू घाट पर, और मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं स्नान के बाद दान दक्षिणा यहां पर कर रहे हैं। 8:10 सुबह 8:10 के बाद सूतक लग गया है, ऐसे में जो मंदिरों के कपाट है, चाहे वो रामलला है या फिर हनुमानगढ़ी या जनक मंदिर या फिर वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, इनके अलावा जितने भी मंदिर है उन सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। शाम 5:10 पर चंद्रग्रहण लगेगा, शाम 6:19 पर चंद्रग्रहण खत्म होगा, और उसके बाद मंदिरों का शुद्ध किया जाएगा, धुलाई होगी मंदिरों को, और उसके बाद फिर आरती होगी। ऐसे में सुबह 8:10 के बाद जो सूतक लगा है उसके बाद यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं सरयू घाट पर और अयोध्या में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो स्नान कर रहे हैं, स्नान के बाद दान दक्षिणा करते हैं, तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर सरयू घाट पर पहुंचे हुए हैं, और इस बाबत सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। आज आप तीर्थराज पुष्कर से हमको आपको तस्वीरें बताएंगे, और चंद्र ग्रहण है आज दो संयोग एक साथ में है, एक चंद्र ग्रहण है, दूसरा आज है कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान, और ये तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर आप लाइव देख रहे हैं कि ये 52 घाट की तस्वीर है, पुष्कर सरोवर की तस्वीर है, और पुष्कर राज तीर्थराज पुष्कर कहा जाता है, उनको तीर्थराज इसलिए कहा जाता है कि चार धाम की यात्रा के बाद में सभी तीर्थ करने के बाद में जब तक पुष्कर राज के अंदर डुबकी नहीं लगाई जाती, इस पवित्र सरोवर में पुष्कर सरोवर में डुबकी नहीं लगाई जाती तब तक माना जाता है कि मोक्ष नहीं मिलता है, काफी मान्यता है। पुष्कर राज की एक बड़ी महिमा है, और कार्तिक पूर्णिमा की आज के स्नान की और खासतौर पर चंद्र ग्रहण पर आज के स्नान की क्या महत्व है, इन सब पे बात करेंगे। पहले हम आपको तस्वीरों पे ले चलते हैं, अभी महास्नान की तस्वीरें चल रही है, पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि आज चंद्र ग्रहण है फिर भी डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान पहले से निश्चित होता है, इसलिए हो रहा है, और अभी आप पूजा का सिलसिला चल रहा है, जब पहले पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई जाती है, डुबकी के बाद में अब पूजा का काम शुरू हो गया। जो चंद्र ग्रहण है और कार्तिक स्नान भी है, कहते हैं कि ग्रहण के अंदर नहीं होता, फिर भी आप करवा रहे हैं पूजा? अब कौन मैं, गुरु महाराज का होता है, गुरुद्वार में आते हैं, गुरु महाराज का यात्री लोग आता है, उनकी निराशा नहीं करते हैं, बोलते हैं अमर पंडित जी पूजा कराओ, स्नान कराओ, तर्पण कराओ।